स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पप्पू कुमार और सब देख रहे हैं मेडिकल हब, जो आपके ऐसे ही तरह तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं जो कि टोटली मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, जैसे मेडिकल टिप्स, हेल्थ टिप्स एंड सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज की ऐसे ही बात कर लेते हैं जो कि है बहुत ही खास टॉपिक में और अभी ट्रेंडिंग भी चल रही है कि आज मतलब अभी का जो मौसम है बहुत ही ठंड वाली मौसम है। तो आज का अभी का जो ट्रेंडिंग चल रही है वो है रुघा खोंकी और सूखा खोंकी। तो आजकल दोस्तों क्या है कि आजकल लोगों का स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से सूखी खांकी एक आम बीमारी बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों ऐसे क्यों? क्योंकि होती है ऐसे मौसम की बदलाव की वजह से ऐसे ही होते। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात कर लेते। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सूखा खोंखी है क्या। तो दोस्तों ऐसे है कि फेफड़ों से हवा के अचानक और तेज आवाज़ के साथ निष्कासन को खांसी कहा जाता है। वायुमार्ग में जमा होने वाले किसी भी असुविधाजनक पदार्थ को निष्कासित करने के लिए ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जुकाम का या फ्लू से ग्रसित ज़्यादातर लोगों को खांसी होती है। सूखी खांसी का एक प्रकार है जो बहुत कम कफ पैदा करते हैं, इसको मेडिकल भाषा में टिकली कफ भी कहा जाता है। दोस्तों अब जान लेते हैं दोस्तों इसके कारण क्या है। मेनली तो दोस्तों मुख्य रूप से सर्दी में तो वायरल की वजह से होता है। जुकाम और फ्लू ठंडी और धुस्क हवा में सांस लेने से, धूम्रपान करने से, एलर्जी से, लंग कैंसर और वायु प्रदूषण से भी होता है दोस्तों। और साथ साथ धूल या धुएं से, तापमान के बदलाव से, ये सब बहुत ही कारण होते हैं जिससे हम लोगों को रुघा खोंकी हो सकता है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं इसका लक्षण क्या है। गले में कुछ अटका हुआ जैसा लगना लगता है, कफ ना होना, काफ़ी जो हाफने जैसी सुनाई दे, रात में सोने में कठिनाई, घबराहट या नाक बंद होना और नाक से पानी आना, बुखार भी लगता है दोस्तों, और साथ साथ सिर दर्द, ठंड लगना जैसे भी तरह तरह के लक्षण दिखाई देता है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं इसकी खोज पड़ताल की बात करें तो मैं ज़्यादा इसका बात तो नहीं करूँगा। मेरा मकसद ये है कि इसका बचाव और जांच पड़ताल की बात करें तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि एक्सरे करवाइए और साथ साथ ब्लड सैंपल की बात करें तो ब्लड टेस्ट करवाइए। और बात कर लेते इसके बचाव के बारे में, इससे कैसे बचिए। तो दोस्तों ऐसे है कि हम लोगों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन अच्छी तरह से करनी चाहिए, साथ साथ अगर खांसी और छींकने पर आए तो हम लोगों को नाक और मुंह ढकने चाहिए रुमाल से, घर सफा रखने चाहिए, साथ साथ पूरा वातावरण सफा रखने चाहिए, ठंड हवा से बचनी चाहिए। और वायु प्रदूषण जो होते हैं तो सब दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा सबसे ज़्यादा उससे ही बचने चाहिए, क्योंकि प्रदूषण के ही वजह से सबसे ज़्यादा ऐसे ही रुघा खोंखी होते हैं। तो दोस्तों आपको लगता है कि मतलब ऐसे ही बचाव से नहीं ठीक होने वाला, नहीं आपको चाहिए दवाई चाहिए तो ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा वाला रेकमेंड करूँगा। दोस्तों ऐसे तो बाज़ार में बहुत सी कफ सिरप पाए जाते हैं ड्राई कॉफ के लिए, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि रोबिटुसिन ड्राई कॉफ फोर्टे नाम की जो दवाई है वो आप लीजिए और अच्छा है, उनमें से सबसे अच्छा है। और इसका जहाँ तक डोज की बात करें तो बच्चा में है यानी कि चाइल्ड में 6 महीना से लेकर 12 वर्ष तक के बीच में 5 मिलीलीटर 4 टाइम देना चाहिए, मीन्स 6 और 8 आवर्स के अंतराल में। और जहाँ तक बात करें एडल्ट में यानी कि 12 से ऊपर वर्ष के, तो इसका भी मतलब दिन में
चार टाइम देना चाहिए 10 मिलीलीटर, यानी कि 6 और 8 आवर्स के अंतराल में। और बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, हर मेडिकल शॉप में पाए जाते हैं दोस्तों, फार्मेसी फसल में पाए जाते हैं। और मेनली इसका जो अवेलेबल मार्जिन इसका क्वांटिटी है वो है 200 मिलीलीटर। तो दोस्तों इसका और भी मतलब 240 मिलीलीटर में भी पाया जाता है, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि 200 मिलीलीटर वाला ही लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप जान लिया है कि सूखा खोकी के बारे में इतना ही, और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हो सके तो कमेंट कीजिए, और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर की भी कीजिए, और ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए मेहमानों से ये गुजारिश है कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।